चलेंगे अभी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत हो जनाब? ठीक हूँ। ये दवाइयाँ ले लें, मैं आज यहीं हूँ। अगर आपको अस्पताल लेके जाने की जरूरत पड़ी तो मैं ले चलूंगा। मॉम, मैं कब से फोन कर रही हूँ दानियाल को, मगर वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। कहीं उसने मुझे डाइवोर्स देने का फैसला तो नहीं कर लिया? ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर उसने ऐसा करने का सोचा तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये अधूरा सलाम क्या? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। सिकंदर का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप अभी तक जाग रही हैं? मैं जाके अपने कमरे में सोए, मैं भी सोने जा रहा हूं। तुम्हारे इंतजार में मेरी नींद उड़ी हुई है और तुम सोने जा रहे हो। पहले ये तो बता कि काम हुआ कि नहीं। ना माँ। पहले तू बता माँ, जिस काम पर मैं तुझे बिठा कर गया वो तूने किया कि नहीं? हाँ हाँ, अभी अभी जा नमाज से उठी हूँ और ये देख तस्बीह भी मेरे हाथ में है। और क्या सबूत पेश करूं, जब से तू गया है ना तेरी कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूं। ले फिर सुन ना माँ, तेरी दुआ वाकई कबूल नहीं होती। जिस काम के लिए मैं गया था वो क्या होना था? मुझ पर तो सारे ही दरवाजे बंद हो गए। मुझे तो लगता है अम्मा, मुझे तो लगता है कि सिकंदर आया ही इस दुनिया में दरवाजों पर दस्तक देने है। और किस्मत देखो सिकंदर की, मेरी दस्तक पे कोई दरवाजा भी नहीं खोलता। कभी बाप ने घर से निकाल कर सिकंदर पर दरवाजा बंद कर दिया और कभी बहन ने, और आज तो अम्मा आज तो सिकंदर ने जिसके लिए दिल का दरवाजा खोला था उसने भी बंद कर दिया। तू कैसी बातें कर रहा है सिकंदर? ना कर पुत्र, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अम्मा अपने दिल को संभाल, संभाल अपने दिल को, कुछ नहीं होगा। इतने जख्म पहले मिले तब कुछ नहीं हुआ, ये भी झेल जाऊंगा। तू संभाल अपने दिल को, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मा। जाने से पहले इतना तो बता दे, कौन कमबख्त है इसने तेरे लिए दरवाजे बंद किए? नाम तो बता दे उसका। चल रहने दे। मुझसे बुरा कोई नहीं।
तानिया बेटा बेटा तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं भाईजान के साथ इधर बैठ जाती हूँ। नहीं पप्पा जान, मैं बाबा जान के पास ही रहूंगी, आप चाहें। बेटा जिद नहीं करो, मैं ख्याल रखूंगी भाई साहब का। और इजाज़ बाहर बैठा है, कुछ चाहिए होगा तो मैं उससे मुकवा लूंगी। सुबह से यहाँ बैठे हो, तुम बीमार हो जाओगी। तानिया बेटो फूफो ठीक कह रही तुम्हारी, जाके आराम करो, तुम्हारे बैठने से मुझे ज्यादा परेशानी हो रही है। जाओ शाबाश। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन बाबा जान आप बाबा जान के पास ही रहिएगा प्लीज, इनको अकेला मत छोड़िएगा। मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जब से दवाई ली है सो ही रहे हैं। हाँ हाँ मैं यही हूँ, तुम तसल्ली रखो, तुम जाकर सो जाओ। भाई साहब आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो जाजी से भी कहो कि जाके आराम करे, ऐसे ही बाहर बैठा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, मैं लाख भी बोलूं तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जब से आपकी तबीयत खराब हुई है वो एक टांग पर खड़ा है, मुझे तो अब पता चला कि उसको आपकी कितनी फिक्र है। भाई साहब मैंने उसे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। उसको आराम कर जाके। भाई साहब ऐसे मौकों पर ही तो अपनों की पहचान होती है। महवेश अभी भी वक्त है, मान लो मेरी बात, स्कूल से छुट्टी कर लो। तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हो फरी? तुम पे मेरी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? अगर आज मैं घर बैठ गई ना तो हमेशा के लिए दिल में एक डर बैठ जाएगा, और तुम्हारे इस खौफ को शिकस्त देने के लिए मेरा घर से निकलना बहुत जरूरी है। और अगर आज भी वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ तो क्या करोगी? और अगर आज वो मेरे रास्ते में ना खड़ा हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें डर नहीं लगता महवेश? डर किसे नहीं लगता फरी, मगर सवाल तो ये है, डर को खुद पर हावी करना है या उसे निकाल कर फेंक देना है? अच्छा मैं चलती हूँ। महवेश बेटा आज अपने अब्बा की पेंशन का पता कर लेना, अगर पैसे आ गए हैं तो निकलवाते ही लाना, अभी किराया भी नहीं आया, शाम को वसीम के घर वालों ने भी आना है, पैसों की जरूरत पड़ेगी। जी ठीक है अम्मी, मैं बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। महवेश महवेश अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पे मिल गई, मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। अच्छा तो अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ गली में बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना? नहीं अभी घर नहीं आ सकती, अम्मी घर पे अकेली हैं। अच्छा बोलो क्या बात है? मुझे अपने स्कूल में जॉब ही करवा दो, तुम तो जानती हो मैं कई अरसे से घर में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम अपने स्कूल में मेरी जॉब की बात करो ना। ठीक है मैं तुम्हारी बात करूँगी, अगर स्कूल में कोई जगह होगी वो तुम्हें जरूर बुला लेंगे, मुझे अपनी सीवी दे देना। ऐसा हो गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। महवेश वो फरी बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सुना है उनके रिश्ते की कहीं बात चल रही है? अरे वाह, वैसे सारे मोहल्ले की खबर रखती हो तुम, इस घर में क्या होता है सब पता है तुम्हें।
इन छोटे छोटे गली मोहल्ला में कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब अपने आप ही पता चल जाता है। कुछ तो ऐसी बातें भी मुझे पता है यहाँ पे जो कोई और नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ। ऐसी कौन सी बात है? अभी जरा मैं जल्दी में आऊँ, फिर कभी बताऊंगी। इंतजार कर रहे हैं, प्लीज ऑफिस जाने से पहले आप उनसे मिल लेना। उनसे कह देना कि मैं जल्दी में हूँ, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। प्लीज भाई, सिर्फ 2 मिनट की बात है, अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी अब्बू उनके साथ बैठे हैं। देखो सबा, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनसे कह देना कि मैं अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी ही बात है, आप खुद जाकर क्यों नहीं कह देते उनसे? तुमसे बात करने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सका, यही सोचता रहा कि कहीं दानियाल जल्दबाजी में कोई फैसला ना कर बैठे। निगत बेगम के रवैये ने उसे इस मकाम तक पहुंचाया, वरना वो ऐसा कब चाहता था? और अब तो मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई है। तुम खुद ही बताओ हबीब खान, एक छोटे से झगड़े को इतना बढ़ावा दे देना कहां की अकलमंदी है? क्या रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं जैसे निगत बेगम निभाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मुझे तुम्हारी हर बात से इत्तफाक है। गलती ना दानियाल की है और ना ही अरीज की, मगर सजा तो इन दोनों को मिल रही है। दानियाल को बुला दो, मैं उसे समझाऊंगा। तामलेकुम अंकल। तामलेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लो भाई, आ गया दानियाल, तुम बात करो इससे, मैं चलता हूं। ठीक है। बैठो बेटा। अंकल एक्चुअली मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मुझे ऑफिस निकलना है। मैं जानता हूं बेटा, बस कुछ देर के लिए बैठ जाओ। दरअसल अरीज बहुत परेशान है बेटा, वो नहीं जानती थी कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन बेटा उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। उसे सजा मिल चुकी है अंकल? सजा तो मुझे मिल रही है, रोज आपके घर के चक्कर लगाता हूं। वो तो शायद खुश है वहां पर। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसे पता नहीं था कि उस दिन तुम आए थे, लेकिन जब बाद में उसे पता चला तो बहुत परेशान थी। तुम्हें कॉल्स भी करती रही, लेकिन तुमने वो अटेंड की बेटा। मॉम, मैं कब से फोन कर रही हूँ दानियाल को, मगर वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहीं
उसने मुझे डाइवोर्स देने का फैसला तो नहीं कर लिया? मामा, मुझे लेने दो बार आ चुके हैं, मगर आपने मुझे उससे मिलने ही नहीं दिया। अब नहीं आएगा वो, मुझसे ही गलती हो गई है जो जरा सी बात पे आपको फोन कर दिया, वरना वो तो अपनी गलती पर जो सॉरी कर चुका था। हेलो, कैसी हो तुम मरीज? ठीक हूँ, बस यही पूछने के लिए तुम्हें फोन किया था। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मॉम, दानियाल से आपकी कोई बात हुई? भाई वो मुझे फोन क्यों करेगा, क्या हो गया तुम्हें? जरा सा हौसला नहीं है तुम्हारे अंदर? बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो तुम। मॉम, दानियाल कल से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, जो लगता है वो मुझसे नाराज है और शायद कभी भी मुझसे बात ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा रीच, वो तुमसे बात करेगा, जरूर करेगा, बस थोड़ा सा हौसला रखो तुम। खैर मैं थोड़ी देर में घर आके तुमसे बात करती हूँ, अभी मुझे एक जरूरी काम। ये ले, हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, बिग अचीवमेंट। आपसे कहा था मैं कर लूंगा। हाँ ये तो है। सर आ जाओ बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। अच्छे वक्त पर आ तो गई हैं, लेकिन खुदा करे कोई अच्छी न्यूज भी लेकर आई हो। तुम बड़ा बोल रहे हो, लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तुम्हारा। यस रियली, मगर मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। असद ने फीचर फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अभी से टेंट्रम दिखाने शुरू कर दिया उसने। उसे शायद पता नहीं है कि यह फिल्म जितनी जल्दी बुलंदी पर लेकर जाती है उतनी ही जल्दी वापस जमीन पर भी गिरा देती है। अब उसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। यह मैटर मैं लीगल डिपार्टमेंट को भेजता हूँ, वो खुद इसे डील करेंगे। यह ठीक रहेगा। जोया, तुमने आज उस लड़की को बुलाया था? फोन कर दिया था, आती होगी। गुड। सिकंदर भाई फोन उठा लेना। क्या हुआ, सिकंदर भाई ने फोन नहीं उठाया? सिकंदर भाई नाम है उनका। पहली बार में फोन उठा लें, कोई मखौल है? थोड़ा इंतजार का मादा पैदा करो बाबूजी। सिकंदर भाई से जैसी ही बात होगी आपका काम हो जाए। चलो ठीक है, मेरा नंबर तो आ गया ना आपके पास। देंगे कैसे? सिकंदर भाई की रकम कौन खा सके? खैर से जाएं अभी, आप करते हैं आपसे बात। क्या हुआ,
नहीं उठाया ना सिकंदर भाई ने फोन। वैसे ये मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है, इंसान को नकारा कर दे, यही कहना था ना तुम? हाँ। गलत कहना, सिकंदर भाई को कोई नकारा नहीं कर सकता, चाहे वो दुश्मन हो या मोहब्बत। अरीज, मैंने कहा था ना वो आएगा, आ गया वो, मगर अभी तुम बाहर नहीं आओगी। जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में रहोगे। मुंशी साहब मेरी नजर आ रही है, बुलाओ उन्हें, बात करनी मैंने उनसे। आप ना बस आराम करें, आराम, मैं आऊँ ना सब देख लूंगा। मामू जान, अब तो आप सारे गाँव वालों से मिल चुके हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं मुझ पे। तू नहीं समझेगा चौधरी जहाज, जब तक मैं उस बंदे का पता नहीं लगा लूंगा जिस गाँव पे कब्जा करना चाहता है, चैन नहीं आएगा मुझे। रिश्ते जब सुतेले हूँ।